नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू श्रीवास्तव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। दोस्तों, आप लोग रेगुलर बेसिस पर मेरा वीडियो वॉच करते हो, मुझे बहुत गर्व है, फक्र है आप सभी पर। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन को जरूर से जरूर क्लिक करना, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन वीडियो का हमेशा मिलते रहे और हमेशा आप मोटिवेट वीडियो देखकर खुद के अंदर में मोटिवेशनल लाओ और अपने टीम के साथ जरूर से जरूर शेयर करके उनको भी मोटिवेट करो। दोस्तों, मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए मैं मोटिवेट वीडियो हमेशा बनाता रहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखकर अपने अंदर में वो जुनून जज्बा लाकर अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करके उनके अंदर में भी वो जुनून जज्बा लाओगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप मोटिवेट होगे तभी कोई भी काम में आपको मन लगेगा और दिल लगाकर वहां पर वर्क करके उस प्लेटफॉर्म में आप सफल बनोगे। दोस्तों, कोई भी वर्क करने के लिए आपके अंदर में वो जुनून जज्बा बहुत ही इंपॉर्टेंट सी होती है। जब तक आपके अंदर में वो खुशी यानी वर्क करने के लिए एक अलग सी जो खुशी महसूस होती है वो जब तक नहीं आएगी, आपके अंदर में वो जुनून जब तक नहीं आएगी, आपके अंदर में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगी, आप कोई भी वर्क करो जब तक आप दिल लगाकर नहीं करोगे तब तक उस वर्क में आप सफल नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों, मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी वर्क करे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में रहें तो वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म में वर्क करने के लिए आपकी कॉन्फिडेंस, आपके अंदर में वो एनर्जी, आपके अंदर में वो जुनून बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है। तब जाकर उस प्लेटफॉर्म में आप सक्सेस बन पाओगे और सक्सेस हो पाओगे। तो दोस्तों, सक्सेस पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी होती है क्या, उस पर आप लोग को मैं बताना हूँ। ध्यान से सुनना और अमल करना। सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले शुरुआती दौर में जिस प्लेटफॉर्म में आप हो उसके लिए आपको एक शेड्यूल बना लेनी पड़ेगी कि किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से आज का सारा दिन का शेड्यूल है उसको पैकअप कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आप रेगुलर बेसिस पर उसी शेड्यूल को मेंटेन करते हुए आप डेली बेसिकली जब चलोगे तो नो डाउट आपका ट्रैक सही तरीके से चलेगा और आप उस मुकाम और मंजिल में सक्सेस की राह की ओर बढ़ते चले जाओगे और 100% वो सक्सेस आपको मिलेगा। तो दोस्तों, शेड्यूल पैक्ड अप करनी है, खुद के अंदर में वो जुनून लानी है। अगर आप सोचो कि अगर नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म में हो, नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म में आपका नेटवर्क बड़ा करना है, तो जैसे जो भी फ्रेंड्स को आप अपने साथ जोड़ रहे हो, जो कंपनी में आप बिलोंग करते हो, उस कंपनी में अगर आप ले आ रहे हो तो उस कंपनी का टोटल पोर्टफोलियो जो आप सीखे हो जरूर से जरूर अपने टीम को सिखा देना। जब तक आप अपने टीम को सिखाओगे नहीं, जब तक अपने तरह क्लोन तैयार कर नहीं पाओगे तब तक आप सफलता की राह की ओर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि खुद सेल्फ एक बंदा जो वर्क करता है, सोचो वो बंदा अगर दो बंदा वर्क करे, तीन बंदा करे, चार करे, पांच करे, तो एक मजबूती आती है। तो नेटवर्किंग का सिस्टम यही होता है कि आप खुद का जो सेल्फ वर्क कर रहे हो तो वहां से जो आपका इनकम मिल रहा है वो इनकम आपका ग्रोथ नहीं होगा, वो आप ही तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप अगर अपने दोस्तों को ले आकर यहाँ पर नेटवर्किंग का सिस्टम बताकर अगर उस प्लेटफॉर्म में उसको अगर ग्रोथ करते हो, उसको सिखाते हो, अपने तरह क्लोन बनाते हो, तो वो भी उस तरह से वर्क करेगा, उसकी बेनिफिट आपको भी मिलेगी और वो बंदा जिसको लाएगा उसकी बेनिफिट उसको भी मिलेगी। तो थ्रू द प्रॉपर चैनल जो नेटवर्किंग होता है, वो नेटवर्किंग के सिस्टम में अगर आप वर्क करते हो तो नो डाउट आप भी सक्सेस होते हो, आपकी टीम भी सक्सेस होती है और नो डाउट दोनों मिलकर सफलता की राह की ओर निकल कर वो सफलता की सीढ़ियों पर आप लोग चढ़ जाओगे। तो दोस्तों, है ना मजे की बात। तो नेटवर्किंग का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, अगर उस पर अगर हम लोग सभी अमल करके चले तो दोस्तों नो डाउट 100% हम सभी को सफलता मिलेगी। जो हमारे साथ जुड़ेगा उसको भी सफल बनाने के लिए आपको एक अलग सा संकल्प बनाना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ही होती है नेटवर्किंग का सिस्टम में, अगर जिसको आप ले आओ उसको सक्सेस दिलाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर उसको अगर सक्सेस दिलाने में आप कामयाब हो गए ना तो आपकी कामयाबी 100% कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपको उसको कामयाब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर भी आपको प्लान स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जब उस पर आप प्लान स्ट्रेटेजी तैयार करोगे, उसको बनाओगे और उसको सफलता दिलाने के लिए खुद मेहनत करोगे तो दोस्तों देख लेना कि वो भी मेहनत करने के लिए एग्रेसिव माइंड में वर्क करेगा और वर्क करेगा तो वो सक्सेस हो जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना कि नेटवर्किंग के सिस्टम में अगर टीम सक्सेस यानी हमारी सक्सेस 100% कोई नहीं रोक पाएगा। तो आशा करता हूँ कि नेटवर्किंग के सिस्टम में अगर आप काम करोगे तो अपने टीम को जो ले आओगे, अपनी टीम को सफलता दिलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारा ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा कि किस तरह से और आगे बढ़नी है, टीम को किस तरह से क्या सिखाना है, किस तरह से सिखाने से उसके अंदर में वो जुनून जज्बा आएगा, ये सारा वीडियो आपको मिलते रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन दबाना पड़ेगा। तो हमेशा आपको रेगुलर बेसिस पर ऐसा वीडियो मिलते रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको जरूर से जरूर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर शेयर करना अपने टीम के साथ। टीम के साथ शेयर करोगे तो टीम भी मोटिवेट होंगे और टीम मोटिवेट होंगे तो वर्क करेंगे जबरदस्त तरीके से, और वर्क करेंगे तो सक्सेस होंगे और वो सक्सेस होंगे तो आप भी 100% सक्सेस हो जाओगे। तो वेस्ट ऑफ लक सभी को। आशा करता हूँ आप मेरी बातों को फॉलो करोगे
इंप्लीमेंट करोगे और धूम मचाते हुए अपने वर्क को करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। अगेन बेस्ट ऑफ लक सभी को। ये पिंटू श्रीवास्तव आप सभी को सैल्यूट करता है, आप सभी को वो शुभकामनाएं देता है कि आप लोग आगे बढ़ो और अपने मुकाम मंजिल में जिस भी प्लेटफॉर्म में हो सुपर हीरो बनकर सुपर स्टार बन जाओ। अगेन बेस्ट ऑफ लक सभी को।